हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी आम चीज़ें जो हो सकती हैं जानलेवा, इन्हें आपस में मिलाकर कभी भी ना खाएं। क्या इन 6 फूड कॉम्बिनेशन को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद के अनुसार हर खाद्य पदार्थ का अपना खास स्वाद, अपनी तासीर और पाचन के पश्चात शरीर पर उसका खास असर होता है। इसलिए कोई भी दो अलग अलग फूड खाते समय इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि कहीं इस कॉम्बिनेशन का सेहत पर कोई नकारात्मक असर तो नहीं पड़ेगा। आज हम कुछ ऐसे ही फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अच्छी सेहत के खातिर अवॉइड करना जरूरी है। ऐसे में अगर आपको स्वाद से भी थोड़ा समझौता करना पड़े तो हिचकिचाइए मत। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ऐसे ही 6 फूड कॉम्बिनेशन के बारे में। नंबर 1, भोजन के बाद आइसक्रीम। यह हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है, खासकर शादियों या पार्टियों में भोजन के बाद आइसक्रीम खाने खिलाने का एक रिवाज ही बन गया है। लेकिन यह हमारे पाचन के लिए ठीक नहीं है। दरअसल भोजन के बाद पाचन अग्नि जागृत होती है। भोजन को ढंग से पचाने के लिए यह जठराग्नि जरूरी है, लेकिन भोजन के तत्काल बाद आइसक्रीम खाने से जठराग्नि पैदा ही नहीं हो पाती। इससे खाना ठीक ढंग से नहीं पच पाता है। नंबर 2, भोजन के साथ या बाद में फल। भोजन के साथ साथ या भोजन के तत्काल बाद भी फल नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि फलों में केवल शक्कर और फाइबर होते हैं जिन्हें पचाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए इसके विपरीत भोजन में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च जैसे तत्व होते हैं जिन्हें पचने में अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लगता है। इस वजह से भोजन के साथ साथ खाए फल या फ्रूट चाट का कोई फायदा नहीं होता और वे जल्दी पचकर आमाशय में ही सड़ने लगते हैं। नंबर 3, फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक। आयुर्वेद के अनुसार भोजन शरीर के सभी टिश्यूज तक पहुंचकर उनको पोषित करने वाला होना चाहिए। कई लोगों की यह आदत होती है कि वे खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। खासकर पिज़्ज़े के साथ तो कोल्ड ड्रिंक लिया जाता है, लेकिन ये ड्रिंक भोजन से शरीर को मिलने वाले पोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। कोल्ड ड्रिंक आमाशय में भोजन को पचाने वाले एंजाइम को भी नुकसान पहुंचाते हैं जिससे हाजमा खराब होता है। नंबर 4, फलों के साथ दूध। दूध की पाचन प्रक्रिया अन्य फूड से बहुत अलग होती है। दूध का सबसे ज़्यादा फायदा तब मिलता है जब इसे विशुद्ध रूप से सिर्फ दूध के रूप में ही लिया जाए, किसी के साथ मिलाकर नहीं। हाँ, इसे कुछ नॉन यीस्ट फूड जैसे कॉर्नफ्लेक्स के साथ लिया जा सकता है, लेकिन फलों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेद में तो इसे मना किया गया है। दूध और फलों के कॉम्बिनेशन को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। इसलिए फूड मिल्क शेक भी नहीं लेना चाहिए, यह हाजमा खराब कर सकता है। नंबर 5, दूध में ग्रीन टी। ग्रीन टी में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिन्हें कैटेचिन्स कहा जाता है। ये दिल की बीमारियां, कैंसर और स्ट्रोक की आशंका को कम करते हैं। लेकिन अगर दूध में ग्रीन टी मिलाकर पी जाए तो इससे दूध के फायदे तो कम होंगे ही, साथ ही ग्रीन टी के भी फायदे नहीं मिलेंगे। इस स्थिति में दूध में पाए जाने वाला कैसिन, प्रोटीन, कैटेचिन्स की संघनता यानी असर को कम कर देता है। इससे कैटेचिन्स के अपेक्षित फायदे नहीं मिलते हैं। नंबर 6, दूध के साथ अंडा, मछली, मांस। अंडे, मछली और मांस में जो प्रोटीन होता है वह दूध के प्रोटीन से बिल्कुल अलग तरह का होता है। दूध ड्यूडेनम में ही पचता है, ना कि आमाशय में। इस वजह से आमाशय से बॉडी के बाकी अंगों व टिश्यूज के लिए होने वाला स्त्राव बाधित होता है, जिसके फलस्वरूप अंडा, मछली या चिकन, मटन आदि खाने के बाद
या पहले दूध पीने से पाचन में दिक्कत आ सकती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है इन 6 चीजों को साथ में भूलकर कभी भी ना खाएं। इनसे कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरी वीडियो को करना है ढेर सारा लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।